अब देखो आज हम क्या करते हैं, जेनसन फॉर्मूला। जेनसन फॉर्मूला में क्या है, लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक, ये कहता है कि एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है विद इन ओ एंड ऑन द सर्कल गामा। एक सर्कल है गामा जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, ये कहता है कि इसके अंदर और इसकी बाउंड्री पर फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है। एफ जेड इज एनालिटिक इन द क्लोज डिस्क, इसके ऊपर और इसके अंदर का मतलब क्या हुआ, विद इन और ऑन का मतलब है क्लोज डिस्क, कि क्लोज डिस्क के अंदर क्या है फंक्शन, एनालिटिक है, इसी का मीनिंग बता रखा है ये। अब ये कहता है कि एफ जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब कि जीरो उसका रूट नहीं है। एफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो ऑन बाउंड्री ऑफ सर्कल, ये कहता है कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर एफ जेड को कोई भी रूट नहीं मिलता, यानी जीरो नहीं मिलती, मतलब किसी भी वैल्यू के लिए एफ जेड जीरो नहीं होता। इसका मतलब कि इसका रूट कोई भी बाउंड्री पे लाई नहीं करता, सारे के सारे रूट अगर लाई करते हैं तो उसके अंदर ही करते हैं, एनालिटिक है। जीरो तो हो सकती है ना, रूट तो मिल सकते हैं। अब ये कहता है कि मान लिया कि जेड वन जेड टू जेड एन, ये इसके रूट मिल गए जीरो जो ऑफ एफ जेड, लेकिन वो सारे के सारे रूट कहाँ पे मिले, उसके अंदर ही मिले। अब ये कहता है कि रिपीटेड अकॉर्डिंग टू देयर मल्टीप्लिसिटी, ये कहता है कि इनमें से कोई कुछ रूट रिपीट हो सकते हैं, जैसे उनकी मल्टीप्लिसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। देन हमें क्या प्रूव करना है कि लॉग ऑफ एफ ऑफ जीरो की वैल्यू ऐसी होगी। समझ आ गया, सिर्फ क्या दे रखा है कि फंक्शन एनालिटिक है किसी क्लोज्ड डिस्क के अंदर, बाउंड्री के ऊपर उसकी कोई भी रूट नहीं मिलता, और जितने भी रूट हैं उसके अंदर ही लाई करते हैं, हाँ वो रिपीट हो सकते हैं। तो कहता है कि तो हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा सकते हैं। देखो कैसे, प्रूफ में देखो, कंसिडर द फंक्शन, मान लिया कि कैपिटल एफ जेड की वैल्यू क्या है, स्मॉल एफ जेड प्रोडक्ट ऑफ आर का स्क्वेयर माइनस का जेड आई का कंजुगेट इनटू में जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस का जेड आई। इक्वेशन नंबर वन, वी ऑब्जर्व दैट, ये कहता है कि हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि जो कैपिटल एफ ऑफ जेड है ये कैसा है, एनालिटिक है। क्लियर, ये एनालिटिक है, समझ आ गया। अच्छा एनालिटिक क्यों है, एनालिटिक के लिए क्या होना चाहिए, उसका डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं बनना चाहिए। अच्छा हम डिनोमिनेटर पे बात करें अगर, तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है कि आर जेड माइनस का जेड आई, अब ये जीरो हो सकता है। क्लियर, जो डिनोमिनेटर है वो कैसा दिखाई दे रहा है आपको, जेड माइनस का आर जेड माइनस का जेड आई, लेकिन जो ये जेड आई हैं वो क्या है बेटा, ये रूट हैं, किसके रूट हैं, ऑफ एफ ऑफ जेड के रूट हैं। तो यदि जेड आई सारे के सारे इसके रूट हैं तो इसका मतलब कि एफ जेड के ये फैक्टर बनेंगे, जेड माइनस का जेड वन भी फैक्टर बनेगा, जेड माइनस का जेड टू भी बनेगा, अप टू सोन जेड माइनस का जेड एन, और ये क्या है, ये प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में है तो जेड वन जेड माइनस का जेड वन जेड माइनस का जेड टू, सॉरी वन टू थ्री, मैं दोबारा खोल के बताती हूँ। देखो एफ जेड लिख रखा है और प्रोडक्ट है, अब न्यूमरेटर से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर सोल्व करवा रही हूँ मैं, जैसे कि आर जेड माइनस का जेड आई। क्लियर, ये न्यूमरेटर होगा जो भी यहाँ पे होगा। अब यदि हम इस प्रोडक्ट को खोलते हैं बेटा, तो न्यूमरेटर तो यूँ का यूँ रखो, आर जेड माइनस का जेड वन, फिर जेड माइनस का जेड टू, अप टू सोन जेड माइनस का जेड एन, ऐसे ही खोलोगे ना प्रोडक्ट को, आर 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 एन टाइम हो जाएगा ये आर की पावर एन। क्लियर हुआ, आर तो रेडियस है तो देयर फॉर दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर, अब ये जीरो हो सकते हैं, लेकिन ये जो फैक्टर हैं ये क्या आएंगे, एफ जेड के भी फैक्टर बनेंगे, क्योंकि सारे के सारे जेड वन जेड टू जेड एन ये जीरोज थे, यानी रूट थे किसके, एफ जेड के। यदि जेड वन जेड टू जेड एन रूट थे एफ जेड के, तो इसका मतलब कि एफ जेड के ये क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे, यानी जेड माइनस का जेड वन जेड माइनस का जेड टू अप टू सोन जेड माइनस का जेड एन, और इसको मल्टीप्लाई विद जी जेड लिख लो यहाँ पे, मतलब कि जो भी ये फैक्टर निकलने के बाद जो भी पॉलिनोमियल बच गई उसको जी जेड लिख लिया, और यहाँ पे जो ऊपर आएगा ये प्रोडक्ट ऑफ आई इज इक्वल टू वन से लेकर के एन तक, ऊपर न्यूमरेटर नू का नू रख दूँ। अब ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, यदि ये इससे कैंसिल ही हो गए और ये जीरो है नहीं, तो इसका मतलब कि इसका डिनोमिनेटर कभी जीरो बने नहींगा। तो जब तक ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनेगा तो एफ जेड कैसा रहेगा, एनालिटिक होगा। क्लियर हुआ, तो वी ऑब्जर्व दैट कैपिटल एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन एनी डोमेन, ये कहता है कि उस डोमेन के अंदर एफ जेड एनालिटिक होगा जिस डोमेन के अंदर स्मॉल एफ जेड एनालिटिक होगा, क्योंकि बाकी बात ये आती है यदि एफ जेड खुद एनालिटिक ना हो तो कैपिटल एफ जेड एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल एफ जेड क्या है, स्मॉल एफ जेड की मल्टीप्लीकेशन है।
समझ आ गया। तो कैपिटल एफ जेड एनालिटिक होगा बिकॉज ऑफ स्मॉल एफ जेड एनालिटिक है। ये कभी जीरो हो नहीं सकता क्योंकि ये फैक्टर बनेंगे और फैक्टर बनेंगे तो ये कैंसिल होंगे, समझ आ गया। अब उसके बाद ये कहता है कि कैपिटल एफ जेड ये जीरो भी नहीं होगा, क्लियर। कैपिटल एफ जीरो नहीं होगा जहाँ पे मोड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू आर होगा, यानी इस क्लोज डिस्क के अंदर कैपिटल एफ जेड की कोई कैपिटल एफ की कोई भी जीरो नहीं मिलेगी, क्लियर हुआ, ठीक है। ये जीरो क्यों नहीं होगा, देखो अब देखो, यदि ये जीरो होगा तो आर का स्क्वायर माइनस का जेड आई जेड, ठीक है। एक बात मैं बताऊं, ये जीरो कब होगा, ये जेड आई पे जीरो होगा लेकिन नीचे भी जेड आई है तो देर फॉर वो फैक्टर से फैक्टर कैंसिल होने के बाद जो ये फैक्टर जी जेड बचेगा ये नॉन जीरो फैक्टर बचेगा, समझ आ गई इतनी बात है। तो ये किस टाइप का बचेगा बेटा, ये बचेगा एक तो जी जेड जिसकी कोई भी जीरो नहीं है ये बचेगा, और ये प्रोडक्ट ऑफ ऊपर जो भी न्यूमरेटर में था आर का स्क्वायर माइनस का जेड आई का मोड कंजुगेट इनटू में जेड और डिवाइडेड बाय ये आर, ऐसा बचेगा ये, ठीक है। ये इतना फंक्शन बचेगा क्योंकि फैक्टर से कैंसिल हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट हाई इजिकल टू वन से लेकर के एन तक। अब देखो ये जीरो कब, ये तो कभी भी जीरो नहीं होगा अब क्योंकि एफ जेड के जितने भी जीरोस थे वो फैक्टर बन के निकल गए थे और उनको हमने कैंसिल कर दिया था, तो ये नॉन जीरो फंक्शन बचा है। ये जीरो कब हो सकता है, जब इसका न्यूमरेटर जीरो होगा। न्यूमरेटर जीरो होने का मतलब कि आर का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, जेड आई का कंजुगेट जेड के इक्वल। अब देखो आर का स्क्वायर को तुम क्या ले सकते हो, आर का स्क्वायर माइनस का जेड आई का कंजुगेट इनटू में जेड। देखो आर का स्क्वायर को बेटा क्या लिख सकते हो, आर का स्क्वायर को जेड इनटू में जेड कंजुगेट लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि जेड इंटू में जेड कंजुगेट को लिख सकते हो मोड ऑफ जेड का स्क्वायर और मोड ऑफ जेड तो आर था तो देयरफॉर दिस इज आर का स्क्वायर, क्लियर हुआ अभी इतना। तो इसका मतलब कि आर का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू में जेड का कंजुगेट, और क्या है, जेड आई का कंजुगेट इंटू में जेड। अब जेड यहाँ से कॉमन तो इसका मतलब कि जेड का कंजुगेट माइनस का जेड आई का कंजुगेट। अब ये इक्वल टू जीरो होने का मतलब ये है, जेड तो जीरो है नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि जेड का कंजुगेट इज इक्वल टू जेड आई का कंजुगेट, और इसका मतलब तो ये हुआ कि जेड का कंजुगेट का मोड इज इक्वल टू जेड आई का कंजुगेट का मोड। लेकिन जेड का कंजुगेट का मोड और जेड का मोड तो एक ही बात है, और ये जेड का मोड किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, क्योंकि रेडियस से कि ये बाउंड्री से उठा है एलिमेंट, तो देर फोर ये भी किससे उठ जाएगा, फिर ये बाउंड्री से। लेकिन जो जेड आई थे ये बाउंड्री पे कहाँ बिलोंग करते थे, तो ये जेड आई थे वो सारे के सारे डिस्क के अंदर ही तो बिलोंग करते थे। देखो ध्यान से, ये सारे के सारे जीरोज ऑफ एफ जेड ये डिस्क के अंदर ही बिलोंग करते हैं, बाउंड्री इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे, समझ आ गया। ये काफ़ी मतलब कि डिटेल में है ये कंसेप्ट। ये यहाँ पे ये कहता है कि कैपिटल एफ ऑफ जेड कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, ये मैंने बता दिया आपको, ये कभी भी जीरो नहीं बनेगा इस क्लोज डिस्क के अंदर, क्लियर। अब एफ जेड एनालिटिक है और ये कभी भी वैनिश नहीं होगा इस क्लोज, पूरी क्लोज डिस्क के अंदर वैनिश नहीं होगा। तो ये कहता है इससे छोटी, ये पूरी क्लोज डिस्क के ऊपर जब वैनिश नहीं है बेटा तो इससे छोटी कोई सर्कल ले सकते हैं हम, जिसकी रेडियस कितनी होगी, रो होगी। तो रो कोई भी रेडियस की हमने क्या ले ली, ओपन डिस्क ले ली, और जिसके अंदर कैपिटल एफ जेड क्या नहीं होगा, एनालिटिक सॉरी ना जीरो नहीं होगा, यानी ये कभी भी जीरो नहीं होगा। फिर ये कहता है कि आल्सो एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ जेड का मोड इज इक्वल टू स्मॉल एफ जेड के मोड के इक्वल होगा जब ये बाउंड्री के इक्वल होगा, तो क्लियर हुआ। ये कहता है कि यदि मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर होगा तो इसका मोड के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब इसका मोड वन होना है, वो देखते हैं कैसे। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है इसका मोड क्या होना है, वन। इसका मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ आई इज इक्वल टू वन से लेकर के एन तक आर का स्क्वायर जेड आई का कंजुगेट माइनस का जेड और जेड माइनस का जेड आई, क्लियर। अब देखो इसका मोड का मतलब क्या, प्रोडक्ट में तो मोड अंदर चला जाता है, ठीक है, समीशन में लेस देन इक्वल टू का साइन आता है लेकिन प्रोडक्ट में इक्वलिटी रहती है। अब यहाँ से देखो, इसको अभी मैंने बताया था, इसको क्या ले सकते हैं, जेड इंटू में जेड कंजुगेट और जेड बाहर कॉमन ले लिया तो जेड माइनस का जेड आई का कंजुगेट, क्लियर, जेड बाहर कॉमन तो ये ऐसा आ गया। अब नीचे देखो बेटा क्या है, नीचे है जेड, नीचे है सॉरी आर था ये,
आर है नीचे बेटा, और नीचे क्या है जेड माइनस का जेड आई। क्लियर है इतनी बात है? अब देखो ध्यान से, जेड माइनस का जेड आई और ऊपर क्या है जेड का कंजुगेट माइनस का जेड आई का कंजुगेट, यानी ये इसका क्या था मोड था। अब देखो जेड का मोड अलग कर लिया, इसके ऊपर मोड अलग कर लिया, इसके ऊपर मोड अलग कर लेंगे। जेड माइनस का जेड आई का पूरे का कंजुगेट का मोड लगाते हैं हम, नीचे क्या है आर, फिर क्या है जेड माइनस का जेड आई का मोड। अब देखो जो जेड का मोड होता है और उसके कंजुगेट का मोड होता है वो दोनों इक्वल वैल्यू होती हैं, तो देयरफॉर यहाँ पे तो है सिंपल, नीचे तो है सिंपल, ऊपर है इसका कंजुगेट, तो ये तो दोनों इक्वल हैं तो कैंसिल हो गए। अब मोड ऑफ जेड किसके इक्वल है आर के इक्वल, और नीचे भी आर है तो देयरफॉर ये भी कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा वन। तो इसका मतलब कि जो ये प्रोडक्ट का मोड था ना अपना, यहाँ पे मोड ऑफ एफ ऑफ जेड आएगा तो ये प्रोडक्ट का मोड आएगा, प्रोडक्ट का मोड किसके इक्वल होगा वन के इक्वल होगा। ठीक है, यदि आप दूसरे तरीके से प्रूफ करना चाहते हैं वो इसमें दे रखा है। क्लियर हो गया, इस तरीके से भी आ जाएगा, ये आप पढ़ोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज उस तरीके से कर लेना वो भी आसान है। अब ये कहता है सिंस एफ जेड इज एनालिटिक, ये कहता है कि कैपिटल एफ जेड हमने पढ़ लिया कि एनालिटिक है और ये कभी भी इस ओपन डिस्क के अंदर जीरो नहीं होता। यदि इस ओपन डिस्क के अंदर जीरो नहीं होता तो इसका मतलब कि लॉग ऑफ एफ ऑफ जेड भी कैसा होगा एनालिटिक है, क्योंकि लॉगरिथम फंक्शन एनालिटिक होता है लेकिन अंदर वाला फंक्शन क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, वो कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया, तो देयरफॉर लॉग ऑफ एफ ऑफ जेड भी कैसा होगा एनालिटिक होगा क्योंकि ये नॉन जीरो बनता है। उसके बाद है कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप हमें क्या मिल गया कि यदि ये एनालिटिक है, यदि कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो हमें पता है उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही हार्मोनिक होते हैं, तो इसका मतलब कि लॉगरिथम ऑफ एफ ऑफ जेड का रियल पार्ट भी कैसा होगा हार्मोनिक होगा। क्लियर, तो इसका जो लॉग ऑफ एफ ऑफ जेड का रियल पार्ट वो क्या होगा हार्मोनिक होगा। अब देखो बेटा लॉगरिथम ऑफ ए प्लस का आयोटा बी, इसको हम कैसे खोलते हैं, वन बाई टू लॉगरिथम ऑफ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में आयोटा टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए। क्लियर, इसको तो हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ये होता है इसका रियल पार्ट, ये कैसा होता है इसका रियल पार्ट। क्लियर हो गया, यानी लॉग ऑफ किसी कोई भी यहाँ पे जेड की फॉर्म दे रखी है तो उसका रियल पार्ट किस फॉर्म का होगा इस फॉर्म का, इसका मतलब किसको क्या ले सकते हैं लॉगरिथम ऑफ इस वन बाई टू को ऊपर ले जाएं तो अनरूट ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा ए प्लस का आयोटा बी का मोड लिख सकते हैं क्योंकि इसका मोड ऐसे ही तो खुलता है, तो इसका मतलब कि लॉग ऑफ ए प्लस का आयोटा बी को का रियल पार्ट हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि लॉगरिथम ऑफ मोड ऑफ ए प्लस का आयोटा बी। क्लियर हुई इतनी बात है? तो इसका मतलब कि यदि हम रियल पार्ट ऑफ लॉगरिथम ऑफ एफ जेड की अगर बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं लॉग ऑफ मोड ऑफ एफ ऑफ जेड। क्लियर हुआ, इसका अगर रियल पार्ट की बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं, तो यही बात कह रहा है ये, तो रियल पार्ट लॉगरिथम ऑफ एफ ऑफ जेड का मोड, देखो यहाँ पे मोड लगा दिया तो ये क्या भी होगा हार्मोनिक होगा, और यदि कोई फंक्शन हार्मोनिक होता यू हार्मोनिक होता है तो मीन वैल्यू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, और मीन वैल्यू प्रॉपर्टी आप देख लेना वहाँ पे एक ही जगह पे जीरो पुट कर लेना और मीन वैल्यू प्रॉपर्टी ये होती है। क्लियर हो गया, अब उसके बाद ये कहता है कि अब हमें चाहिए एफ ऑफ जीरो की वैल्यू। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, जहाँ से एफ जेड लिया था, एफ जेड तो इस इक्वेशन से लिया था, देखो फर्स्ट इक्वेशन से, इस इक्वेशन से लिया था, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जेड की जगह पे जीरो पुट कर दोगे, हर जगह पे जेड की जगह जीरो पुट करने पर ऐसा आ जाएगा, मोड ले लो, मोड लेने के बाद जो इसका मोड होगा, क्लियर, मोड ले लिया, मोड लेने के बाद लॉगरिथम ले लो, लॉगरिथम लेने के बाद क्या हो जाएगी लॉग एम इंटू में एन की प्रॉपर्टी खुल जाएगी, यानी लॉग ऑफ एम प्लस का लॉग ऑफ प्रोडक्ट भी समीशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। फिर ये कहता है कि बाय इक्वेशन नंबर सेकंड से हम क्या भी पता कर सकते हैं कि कैपिटल एफ आर ई की पावर आयटा फाई की वैल्यू, इक्वेशन नंबर सेकंड ये रही कि एफ ऑफ जेड का मोड किसके इक्वल दिखा था, एफ ऑफ जेड के मोड के इक्वल, यदि मोड ऑफ जेड इक्वल टू आर के इक्वल था तो, ठीक है ये प्रूव किया था हमने, तो यहाँ पे आर की वैल्यू आर ई की पावर आयटा फाई, यानी ये बाउंड्री से तो ही है, ये बाउंड्री से है तो देयरफॉर इसका मोड की वैल्यू क्या होगी इक्वल, और ये वाली वैल्यू हम कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, अब ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे कैपिटल एफ आर ई की पावर आयटा थीटा, यहाँ पे यहाँ से वैल्यू उठा करके यहाँ पे शिफ्ट कर देना,
इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो ये स्मॉल में बन जाएगी, ये कैपिटल एफ में है ना, तो ये स्मॉल में बन जाएगी। तो देयरफॉर ये कहता कि अब जो इक्वेशन नंबर थर्ड बनी और जो ये इसकी भी वैल्यू हमने निकाली लॉग ऑफ एफ ऑफ जीरो की, तो ये वैल्यू तो आ गई लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली वैल्यू आ गई राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये बनी समीशन वाली और लॉग ऑफ एफ ऑफ जीरो वाली, और राइट हैंड साइड वो बनी स्मॉल एफ वाली। अब ये जो समीशन है ये राइट हैंड साइड में ले जाओ तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट, ठीक है, और प्लस ऑफ 1/2π, ये सारा का सारा प्रूफ हो गया आपके, ठीक है, देख लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है।